ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवे करनाल से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी दिल्ली नंबर नेशनल हाईवे पर पलट जाती है। बताया जा रहा है कई पलटे खाई है और उसके बाद इसमें जो लोग सवार थे उनको भी जो है चोटें जरूर आई है, अस्पताल फिलहाल भेज दिया गया और उसके बाद इंतजार किया जा रहा है पुलिस की टीमों का, क्रेन का, ताकि इस गाड़ी को सीधा करवाया जा सके। बताया जा रहा है अमृतसर से दिल्ली की ओर जा रही थी लेकिन नेशनल हाईवे करनाल पर जो है गाड़ी पलट जाती है। हालांकि कैसे पलटी, क्या कुछ कारण था या ओवर स्पीड थी, इस बारे में जो अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गाड़ी चालक जो थे उनसे भी जो एक बारी बातचीत करने का प्रयास करेंगे लेकिन बताया जा रहा है इसमें एक महिला भी थी, उनको भी जो है चोटें जरूर आई है। फिलहाल आनन फानन में उनको जो है अस्पताल जरूर भेज दिया गया है लेकिन एक बड़ा हादसा नेशनल हाईवे करनाल पर हो जाता है, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे करनाल पर जो ये गाड़ी पलट जाती है। स्कॉर्पियो गाड़ी है सफ़ेद रंग की, अमृतसर से दिल्ली की ओर जा रही थी लेकिन नेशनल हाईवे करनाल पर ये पूरी गाड़ी जो है जाकर पलट जाती है। हालांकि गाड़ी में कौन सवार था इस बारे में जो है अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन प्राथमिक तौर पर पता चला है कि दो लोग, फिलहाल एक महिला थी और एक व्यक्ति को जो है चोटें जरूर आई, उनको जो है अस्पताल जरूर भेज दिया गया और फिलहाल यहाँ पर जो है आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा है। पुलिस शायद यहाँ पर अभी तक पहुंची नहीं है लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं, एक बारी उनसे बातचीत कर लेते हैं आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन नेशनल हाईवे करनाल पर एक बड़ा हादसा हो जाता है, त्रावड़ी के नज़दीक यह पूरा हादसा हो जाता है। नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी पलट जाती है, अमृतसर से दिल्ली की ओर जा रही थी और करनाल के नेशनल हाईवे त्रावड़ी के नज़दीक जो ये पूरा हादसा हो जाता है। स्कॉर्पियो गाड़ी नेशनल हाईवे करनाल पर पलट जाती है, दो लोग इसमें जो है घायल हो जाते हैं, एक महिला थी और एक व्यक्ति इस हादसे का जो है शिकार हो जाते हैं। पहुंचे हैं फिर क्या पता चला? कह रहे हैं रात को नींद की जबकि आ गई थी उस कारण ये गाड़ी पलट गई है। तो परिवार सवार था इसमें? परिवार था पूरा जी, एक छोटी बच्ची थी। हाँ जी, वैसे बचाव हो गया सबका? सबका बचाव है, सबका बचाव। छोटे आई हल्की फुल्की? हाँ हल्की फुल्की छोटे आई। अस्पताल लेके? हाँ हॉस्पिटल लेके गए। वैसे भी नहीं पता चला कुछ, वैसे कुछ नहीं पता। वैसे हाँ नींद की जबकि आई है, कुछ इसी कारण हुआ है वैसे। कोई कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अमृतसर से आए दिल्ली जा रहे थे। महिला भी थी? हाँ महिला भी थी। राखी के लिए जा रहे थे? नहीं राखी के लिए नहीं है, तो वैसे आए थे कुछ इसी कारण बस। हाँ तो बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर राखी का पर्व है और ऐसे में जो एक परिवार अमृतसर से दिल्ली भी जा रहा था, हालांकि पूरा परिवार इस गाड़ी में मौजूद था, हालांकि उनको जो अस्पताल जरूर लेकर जाया गया है लेकिन ये बड़ा हादसा नेशनल हाईवे करनाल पर हो जाता है। स्कॉर्पियो गाड़ी DL8CBD7669 ये गाड़ी का नंबर है और देखते हैं कि नेशनल हाईवे पर जो है पलटी हुई नजर आ रही है। स्कॉर्पियो सफ़ेद रंग की गाड़ी है, अमृतसर से दिल्ली जा रही थी, शायद दिल्ली का रहने वाला परिवार है और दिल्ली नंबर गाड़ी है, अमृतसर से आ रहे थे और दिल्ली जा रहे थे लेकिन नेशनल हाईवे करनाल पर जो है गाड़ी पलट जाती है और उसके बाद उनको जो आनंद फानंद में आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद जो है अस्पताल ज़रूर लेकर जाया गया लेकिन कौन ये व्यक्ति थे, कहाँ के रहने वाले, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन आसपास जैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं सूचना मिलती है और उसके बाद आनंद फानंद में जो इनको अस्पताल ज़रूर लेकर जाया गया है। सामान यहाँ पर जो है बिखरा हुआ गाड़ी के बाहर जो है ज़रूर नज़र आ रहा है और आसपास देखते हैं कि तमाम लोगों को जैसे ही सूचना मिलती है वो यहाँ पर जो है मौके पर पहुँच जाते हैं, मदद की जाती है, इनको जो है अस्पताल भी लेकर जाया जाता है। जूते तक यहाँ पर पड़े हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले जो है प्राथमिक तौर पर इनका इलाज जरूरी था, उनको जो है अस्पताल जरूर लेकर जाया गया है। फैमिली यहाँ पर मौजूद थी, छोटे बच्चे के चप्पल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सैंडल नजर आ रहे हैं, सामान यहाँ पर जो सारा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, पलट जाती है। आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन अमृतसर से जो है दिल्ली की ओर ये परिवार जा रहा था नेशनल हाईवे करनाल पर जो ये पूरी घटना हो जाती है। देखते हैं कि आसपास के तमाम लोग जैसे ही सूचना मिलती है सभी जो है यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन किसी को भी जो इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि पूरा परिवार इस गाड़ी में जो है मौजूद था, उनको चोटें जरूर आई हैं। बताया जा रहा है कि शायद अनबैलेंस हो जाती है, अनियंत्रित होकर जो उसके बाद गाड़ी पलट जाती है लेकिन सारा सामान जो यहाँ पर बिखरा हुआ जरूर नजर आ रहा है। गाड़ी की हालत आप देखते हैं, गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कितना भयंकर यह हादसा पूरा रहा होगा लेकिन किसी को भी जो इस बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन कुछ लोगों का कहना प्राथमिक तौर पर इतनी जानकारी जरूर मिली है कि शायद अनियंत्रित होकर जो है गाड़ी पलट जाती है, रात का समय था और लेकिन हो सकता है कि शायद कोई घटना भी घटी हो क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि ये टायर जो है वो यहाँ पर जो है फटा हुआ जरूर नजर आ रहा है, टायर जरूर यहाँ पर फटा हुआ
नजर आ रहा है। आखिरकार क्या टायर फटा था जिसके कारण ये पूरा हादसा हो जाता है या कोई और कारण था, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल पुलिस जांच का विषय जरूर है कि आखिरकार ये पूरा हादसा होता कैसे है। लेकिन गाड़ी जो है पूरी खत्म हो जाती है, कुछ फैमिली भी इसके अंदर मौजूद थी, कुछ लोग मौजूद थे, उनको भी जो है चोटें जरूर आई हैं, लेकिन उनको जो है अस्पताल ज़रूर लेकर जाया गया। एक बड़ा हादसा नेशनल हाईवे करनाल पर हो जाता है। ये देखते हैं कि एक गुड़िया के सैंडल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, किसी व्यक्ति के शूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और गाड़ी का सामान जो है ये देखिए दरवाजे तक पूरे जो है डैमेज हो जाते हैं। आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, ये जाँच का विषय जरूर है। लेकिन एक बड़ा हादसा नेशनल हाईवे करनाल पर हो जाता है। फैमिली मौजूद थी, उनको भी जो है चोटें इसमें ज़रूर आई हैं, उनको जो है अस्पताल ज़रूर लेकर जाया गया। लेकिन सूचना मिलते ही आसपास तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उन सभी से अपील है साइड में लगा लिया, कोई और हादसा हो जाएगा, हादसा यहाँ पर जरूर हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक जाम जरूर हो जाता है। उनको जो है फिलहाल साइड में करवाया जाएगा ताकि और कोई अन्य हादसा जो है वो यहाँ पर ना हो सके। फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है, पुलिस की टीमें मौके पर पहुँचेंगी, क्रेन की मदद से जिस गाड़ी को साइड में नीचे सर्विस रोड पर जरूर करवाया जाएगा ताकि और कोई अन्य हादसा जो है वो यहाँ पर ना हो सके। आप सभी लोगों से अपील है, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, आप अपनी ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, रफ्तार पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है और ऐसे में जो है आप सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मुकुश तेजा, करनाल की न्यूज़, करनाल।